तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ वार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं का आपका व्यवसाय अध्ययन विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज मेरे द्वारा यहाँ से आप सभी को पूरा का पूरा आपका कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा का व्यवसाय अध्ययन विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर हल सहित बताया जाएगा। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों से अनुरोध है हमारा कि आप लोग यहाँ से इस क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल अंतिम समय तक देख कर जरूर जाएँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को एक क्वेश्चन पेपर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ सके। तो चलेगा प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा का आपका व्यवसाय अध्ययन विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा और इसका सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली प्यारे विद्यार्थियों, जो क्वेश्चन पेपर मैं आज यहाँ से आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल इसी प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपसे वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देख कर जरूर जाएँ, तभी जाके आपको पूरा क्वेश्चन पेपर ये समझ में आ पाएगा। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा का आपका व्यवसाय अध्ययन विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का होगा और इसका सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली प्यारे विद्यार्थी, जो क्वेश्चन पेपर मैं आज यहाँ से आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल इसी प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आपसे परीक्षा में पूछा जा रहा है और इसका सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। यहाँ से आप लोग देख लें, कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा का व्यवसाय अध्ययन विषय के क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन आज मैं यहाँ से आपको देने वाला हूँ। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर किस प्रकार का होगा और इसका सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। आप लोग यहाँ से इसको अच्छे से देख लो और पूरा समझ लें। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा गया है इंडेंट का प्रयोग किया जाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपका आ जाएगा विदेशी व्यापार में। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि लिखा गया लघु उद्योगों की विशेषता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, दूसरे का उत्तर क्या आ जाएगा, आप लोग यहाँ से देख लें। इसका उत्तर आपका आ जाएगा उपरोक्त सभी। उसके बाद में तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं व सेवाओं का क्रय विक्रय कहलाता है। तो देखिएगा तीसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा, इसका उत्तर आप लोग लिख लें, इसको कहते हैं ई कॉमर्स। उसके बाद में चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, नैतिकता महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा चौथे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा, इसका उत्तर आप लोग लिख लें, इसमें लिख लेना आपको सभी के लिए। चौथे का उत्तर आपका द आएगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब इसके बाद में पाँचवा देखते हैं, तो पाँचवें का उत्तर क्या आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका भी उत्तर आपका आएगा चालू खाता, ये वाला। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठे नंबर के क्वेश्चन को, तो देखिएगा इसका उत्तर क्या आएगा, जो कि वैन करने के पुरस्कार को कहा जाता है। तो छठे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा, आप सभी लोग यहाँ से देख लें, इसको लाभ कहा जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, रिक्त स्थान में पहला रिक्त स्थान देखते हैं क्या लिखा है, थोक व्यापारी अपना माल से क्रय करता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, थोक व्यापारी जो होता है अपना माल जो है उत्पादक से क्रय करता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, ADRS जारी किए जाते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये कहाँ पर जारी किए जाते हैं, तो इसका उत्तर आ जाएगा अमेरिका में। तो यहाँ से लिख ले, अमेरिका इसका उत्तर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, ई कॉमर्स का अंग है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ई कॉमर्स जो है ई व्यवसाय का अंग है। तो यहाँ से लिख लें, व्यवसाय का ये अंग है ई व्यवसाय का। तो इस प्रकार से आप सभी लोग लिख लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, बैंकों द्वारा उधार क्रय की सुविधा हेतु उपलब्ध कराया जाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाया जाता है। यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लेंगे। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, यहाँ पर दिया गया मुर्गी पालन पशुपालन उद्योग है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये कैसे उद्योग है, तो यहाँ से लिख लेना आपको, जननिक उद्योग है ये। कैसे, जन और निक उद्योग है, इस प्रकार से लिख लें आप सभी लोग। उसके बाद में छठी क्वेश्चन को देखते हैं, वाणिज्य उद्योग तथा व्यवसाय के अंग है। तो छठे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा, वाणिज्य उद्योग व्यापार तथा व्यवसाय के ये अंग है। उसके बाद में सातवां क्वेश्चन देखते हैं, साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों का दायित्व होता है। तो सातवें नंबर के क्वेश्चन का उत्तर लिख लें आप सभी लोग, कैसा होता है, ये असीमित होता है। यहाँ से लिख लें, साझेदारों का व्यवसाय कैसा होता है, असीमित। इस प्रकार से आप सभी लोग लिख लें। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 में इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपसे जोड़ी पूछी जाएगी, आप सभी लोग यहाँ से जोड़ी को देख लें और पूरा समझ लेंगे। तो यहाँ से आप सभी लोग इस जोड़ी को देख लीजिएगा, जोड़ी मिलान में प्यारे विद्यार्थियों पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ से आप सभी लोग देख लेंगे, बंधक पत्र। तो देखिएगा इसकी जोड़ के मिलान आपको इससे कर लेना है, अधिकार पत्र होते हैं ये। उसके बाद में दूसरा लिखा है, तो इसकी जोड़ के मिलान आप लोग कर लेंगे या नंबर से, इसकी जोड़ के मिलान आप लोग या से कर लें। उसके बाद में तीसरा देखते हैं, तो तीसरे की जोड़ के मिलान आप लोग दा से कर लेंगे।
और उसके बाद में चौथा देखते हैं, तो चौथे की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आप लोग किससे कर लेंगे, आ से। और उसके बाद में पांचवा देखते हैं, तो पांचवे की जोड़ी का मिलान आप लोग कर लेंगे किससे, सा से कर लें आप लोग पांचवे का। और इसके बाद में छठे की जोड़ी का मिलान आप लोग किससे कर लेंगे, इसकी जोड़ी का मिलान आप लोग कर लेंगे बा से। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग यहाँ से जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लें। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर को देखते हैं, तो आप सभी लोग यहाँ से एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर को देख लें। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, श्रृंखलाबद्ध दुकानें किसके द्वारा खोली जाती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, श्रृंखलाबद्ध दुकानें जो होती है ये उत्पादक के द्वारा खोली जाती है, यहाँ से लिख लें आप लोग। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, यहाँ पर दिया गया राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना किस रूप में की गई। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक लिमिटेड कंपनी के रूप में की गई, तो यहाँ से लिख लें एक लिमिटेड कंपनी के रूप में, तो यहाँ से लिख लेंगे आप सभी लोग एक लिमिटेड कंपनी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, तो इस प्रकार से लिख लेंगे आप सभी लोग। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया है, आप सभी लोग इसको लिख लें, इसके रूप में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन लिखा है, मध्यकालीन ऋण कितने वर्ष के लिए होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मध्यकालीन ऋण जो होता है एक वर्ष से लेकर तीन वर्ष के लिए होता है, कितना, एक वर्ष से लेकर तीन वर्ष के लिए ये होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, कीटनाशकों के प्रयोग से कौन सा प्रदूषण फैलता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इसके इससे जो है भू प्रदूषण फैलता है, यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, आधुनिक संप्रेषण का समाधान कौन सा है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, इसका समाधान है ईमेल, यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे ईमेल इसका उत्तर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें पूछा है सारणी आ किसके स्थान पर अपनाई जाती है। उस छठे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा, पार्षद अंतर नियम के अंतर्गत इसको अपनाया जाता है, कौन सा नियम, यहाँ से लिख लेंगे आप लोग पार्षद और उसके बाद में अंतर नियम, पार्षद अंतर नियम के अंतर्गत इसको अपनाया जाता है, तो इस प्रकार से आप लोग लिख लें। उसके बाद में सातवें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, रेल सेवाएं किस क्षेत्र का उद्योग है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो है सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है, यहाँ से लिख लें आप लोग सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है रेल सेवाएं, इस प्रकार से लिख लें आप सभी लोग। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें लिखा है सत्य असत्य बताइए। तो सत्य असत्य आपको कैसे बताना, पहला क्वेश्चन देखते हैं, थोक व्यापार फुटकर व्यापार एवं उत्पादक के मध्य की कड़ी है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका सत्य होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्टअप आर्थिक विकास व रोजगार में वृद्धि करता है। तो दूसरे नंबर का प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका सत्य होगा। तीसरा देखते हैं, समता अंशों पर लाभांश प्रतिवर्ष देना अनिवार्य है। तो तीसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। चौथा देखते हैं, जीवन बीमा अनुबंध क्षतिपूर्ति का अनुबंध है। तो चौथे नंबर का क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। पांचवा देखते हैं, साझेदारी अनुबंध सदैव मौखिक होता है। तो पांचवें नंबर का क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका असत्य होगा। छठा देखते हैं, पार्षद सीमा नियम बनाना अनिवार्य है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को इन प्रश्नों को देख लेना है और समझ लेना है, और उसके बाद में आगे इन प्रश्नों को देख लेंगे। ये प्रश्न नंबर 6 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, और उसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, ये 9 लिखा गया है। आप सभी लोग प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से इन प्रश्नों को देख लें और पूरा समझ लेंगे। टोटली प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसा कि मैंने आपको यहाँ से बताए हैं, तो आप सभी लोग यहाँ से इन प्रश्नों को देख लें और पूरा समझ लेंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपसे टोटली परीक्षाओं के पेपर में आपसे पूछे जाएंगे, तो आप सभी लोग इसको देख लें और पूरा समझ लें। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।